बड़ी दुखदायक घटना है। किसी प्राइवेट स्कूल वाले ने कल ही किसी कबाड़िए से एक पुरानी मारुति वैन खरीदी थी और उसके अंदर आज इस स्कूल के प्राइवेट स्कूल के ये बच्चे ट्रैवल कर रहे थे, जिसको जिस मारुति वैन को पीछे से आग लग गई। ना तो वो वैन रजिस्टर्ड है, ना वो वैन, क्योंकि वो कबाड़ी से खरीदी गई है तो वो 20-22 साल पुरानी है। उसके इंजन में क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई ये तो अभी वक्त बताएगा, बट लेकिन चार नौजवान बच्चे उस आग की लपेट के अंदर फंस गए और चार बच्चों की जान चली गई। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हर प्रकार की कोशिश मालिक को, प्रिंसिपल को पकड़ने की, और जो जो लोग की लापरवाही है उनके ऊपर सख्त कदम लेने के लिए प्रशासन और सरकार की तरफ से कारगुजारी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से एक जुडिशियल कमीशन की बात की है ताकि इस मामले की तहकीकात तक जाया जा सके, नीचे तक जाकर इसकी कार्रवाई हो, और बच्चों के परिवारों को जो कॉम्पनसेशन की बात है वो उसके लिए भी सरकार पाबंद है। जिनके कोई चोट लगी है उनका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके उसके लिए भी सरकार पाबंद है, और हम सब लोग यहाँ पर परिवार के साथियों के साथ बात करने के लिए हाजिर हैं कि क्या किस प्रकार से और सहायता परिवार को चाहिए उसके लिए पूरी सरकार, जो भी पॉलिसी है सरकार की उसके हिसाब से इस परिवार को एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन देने की भी हमने बात की है, क्योंकि परिवार के लोग अभी अपने बाकी परिवार के साथियों से बात कर रहे हैं और जब उसके ऊपर फैसला हो जाएगा, सरकार की तरफ से इस बात की तसल्ली दी गई है परिवार को कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई स्कूल और उसकी मैनेजमेंट और स्टाफ के ऊपर करने की जरूरत होगी, जहाँ जहाँ पर लापरवाही होगी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। चार बच्चे हैं, दो बेटियाँ हैं, दो बेटे हैं, और सभी 5-5 साल लगभग उनकी उम्र है, 5-6 साल अलग अलग उम्र है, और सभी उसमें से तीन बच्चे एक ही परिवार, बड़े परिवार के अंदर से एक ही तीन बच्चे आते हैं और एक बच्चा दूसरे परिवार से है। और मैं विश्वास से परिवार को भी इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं और समाज के अंदर भी ये बात जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पे करेगी जिनकी लापरवाही। मैंने पहले ही कहा कि जैसे अगर एक व्हीकल की मियाद 15 साल है, 15 साल के बाद कोई भी व्हीकल किसी भी स्कूल में चल रहा होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अगर इसके अंदर पहले कोई कमजोरी रही है, कोई लापरवाही रही है उसके अंदर, जिन अफसरों की रही है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। मुढ़ले तौर दे उत्ते कोई ऐलान किया गया जी? हाँ जी, मुढ़ले तौर दे उत्ते कोई कंपनसेशन दा ऐलान किया गया? मैं दस्या कि असी परिवार नाल गल कर रहे हैं, इहदी इक पॉलिसी हुंदी है कि जिहड़े जिहड़े परिवारां दे कोई ऐसे हादसे हो जांदे आ उहनां नूं कंपनसेशन सरकार दिंदी है। जो कंपनसेशन पहलां सरकार ने दित्ती होईगी होई है उस तों वध कंपनसेशन देवांगे जिन्ना भी असी कर सकांगे, क्योंकि ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ।